अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे एक न्यू मेथड के साथ ग्लास फंड। ऑलरेडी यार मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं ग्लास फंड की, लेकिन बार बार जैसे न्यू सब्सक्राइबर व्यूअर्स आते हैं तो वो अपनी अपनी यार डिमांड करते हैं, फिर मजबूरी के तहत जो है ना वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपने पिक्सलैब को ओपन करना है और यहाँ पर ना पिक ऐड करनी और नेम टाइप करना है। जैसे कि मैंने नेम टाइप कर लिया है, यहाँ पर मैं उज़्मी लिखूँगा। उज़्मी लिखने के बाद आपने तकरीबन गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने यही नेम लिखा है, तकरीबन उज़्मा नेम लिखा है। अब आपने आने ए बी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर रिसेंट में मैंने रखा हुआ, ठीक है। मैंने पहले ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ट्राई किया है, मैंने यहाँ पर ये वाला मैं लगाऊँगा इस पर फ़ॉन्ट्स। ये वाला फ़ॉन्ट्स मुझे बहुत पसंद आया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो लोग ढूंढते रहते हैं ना फ़ॉन्ट्स के, भाई मिलता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, वहाँ पर आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट करना, जिस जगह पे आपने इसको एडजस्टमेंट करना है ये वहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, पीएस टच में। अब यहाँ तक हो गया। इसके अलावा अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल आर लिखता हूँ, ट्रिपल आर लिखने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली बोनस आर्ट फॉन्ट लगा देना, ठीक है। बोनस आर्ट तो यार हर बंदा जानता है क्योंकि ये बहुत दफ़ा यूज़ हो चुका है, ठीक है। ये ट्रिपल आर हो गया, लेकिन हमने ये वाला डिज़ाइन नहीं रखना, हमने रखना है एस आर, ठीक है। यहाँ तक रखेंगे तो ये डिज़ाइन बनेगा, हम ये रखेंगे डिज़ाइन, ठीक है। अब आपने करना क्या फ्रेंड, आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करके और नीचे आपने आ जाना है, अल्ट्रा रखनी है क्वालिटी इसकी, ठीक है। सेव टू गैलरी, अल्ट्रा रख के सेव टू गैलरी करके सिंपली आपने पीएस टच में चले जाना है। यहाँ पर पीएस टच में मैंने पिक भी ऐड कर लिया और नेम भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी करनी, टोटल तीन लेयर होनी चाहिए। और हर बंदे के साथ, हर सेस के साथ, हर ब्राउज़र के साथ ये मसला आ रहा है कि भाई पीएस टच काम नहीं करता, हर जगह पर मुझे ये मैसेज मिलते हैं। आज उसका भी मैं सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, ट्विटर पर, हर जगह पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर मुझे ये मिलते हैं कि भाई पीएस सीसी दे दो, ठीक है। तो इसके ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो भी मौजूद है कि आपने कैसे पीएससीसी डाउनलोड करना है और कौन सा पीएस टच काम नहीं करता, कौन सा करता है, ठीक है। वो उसकी मैंने डिटेल के साथ वीडियो भी बनाई है, अगर वो आप नहीं देखना चाहते या आपको नहीं मिलती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया करें, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, वो आप कमेंट्स कर दिया करें तो वहाँ पर मैं आपको पी एस सी सी प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जिस जगह पर भी मैं आपको लिंक वगैरह दूंगा तो आप वहाँ पर अगर डाउनलोड कर भी लोगे तो आपसे वो चलेगा नहीं, अक्सर अव्वल तो आपसे डाउनलोड हो गए नहीं, अगर होगा तो आप कोई और कर लेंगे फेक, ठीक है। तो ओरिजिनल मैं आपको दे दूंगा। और आपने देखना ये है ना, जो मतलब पी एस सी सी है ना, पी एस टच न्यू वर्जन, यहाँ पर मार्क पर भी ध्यान दें। मैं बातों में मतलब आपको वहाँ पर पी एस टच के बारे में बता रहा हूँ तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है मार्क में, ठीक है। आपने आना है शेडो में। पी एस टच जो होता है वो हर सेल में वर्क फ्रेंड नहीं करता, और जो पी एस है ना न्यू वर्जन वो हर सेल में वर्क नहीं करता, जो ओल्ड है वो कर जाता है, बाज़ बात ओल्ड भी नहीं करता, फिर पी एस सी सी करना पड़ता है। तो इसका सलूशन यही है कि अगर वो वीडियो देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो बेस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर वहाँ पर भी आपसे नहीं होता प्रॉब्लम बनती फिर व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट की करें या इंस्टाग्राम पर, ठीक है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने ना इसका यहाँ से ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो वहाँ पर आपको ये पी एस सी सी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वरना इसका यही सलूशन है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, अगर वो देख लें तो फिर ज़्यादा बेस्ट है, अगर ना भी देखें तो फिर आप पे डिपेंड करता है, मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हर तरफ ये मैसेज आता है, ठीक है, कभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, एक स्पेशल वीडियोज़ भी बनाऊँगा। एक भाई ने कहा था कि भाई पी एस सी सी का टूल समझाओ, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अब आपने यहाँ तक करना है और मैं बताऊँगा भी कितने मैसेज मुझे आते हैं पी एस सी सी के बारे में। यहाँ पर आपने इस पर एक दफ़ा फिर बेवल लगाना है, एक दफ़ा और लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया काम, ठीक है, थोड़ा सा नेम को जूम करना है। अब आपने जो मेन काम है ना वो क्या करना है, ठीक है, वो आपने यहाँ से कर देना है सिलेक्ट पिक्सल, ठीक है। क्या करना है, सिलेक्ट पिक्सल। अभी तक इसका ब्लेंड मोड को कुछ भी नहीं करना, छेड़छाड़ा नहीं करनी, ठीक है, छेड़छाड़ी अभी तक नहीं करनी। आपने यहाँ से इसको यहाँ तक कर लिया। अब आपने सारे आपके सामने ऑप्शन है, नीचे भी ऊपर भी। अब आपने करना क्या है, लेयर इसी पे सेलेक्ट रहने देना है। सेलेक्ट पिक्सल यहाँ से हो गया। अब आपने आना है एफ एक्स में, क्योंकि एफ एक्स में जाना हमारी यार मजबूरी है, ठीक है, यहाँ पर आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन टूल्स वगैरह मिलते हैं। अब आपने आना है ग्लास में,
गिलास में जैसे ही आपने आना है ना, अब यहाँ पर इसका अमाउंट है और स्केल है, ठीक है, अमाउंट और स्केल, ठीक है। अमाउंट आपने इसकी जितनी आप रखना चाहें आप रख सकें, ज़्यादा करें तो इस टाइप का बन जाएगा, कम रखें तो पहले जैसी हालत में आएगा, जैसे आप रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको 200 पर रखूँगा, मतलब 200 पे, ठीक है, 200 पर रख। अब आपने इसका स्केल आगे पीछे करना है, ठीक है, जितना भी आप चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, काम करेंगे तो पहले वाली हालत में रहेगा। लेकिन मैं इसको बढ़ाऊँगा स्केल को तकरीबन यहाँ तक मैं इसको रखूँगा, ठीक है, 1.49 यहाँ तक हो गया। इस पर एक दफ़ा फिर गिलास लगाना है आपने, ठीक है, फिर गिलास लग गया, एक दफ़ा और फिर गिलास लगाना है, तीन दफ़ा गिलास लग गया। अब यहाँ पर देखें गिलास फंड रेडी है, लेकिन इसमें कलर की थोड़ी बहुत जो है ना वो कमी है, तो वो आज मैं आपको कमी पूरी करके दिखा देता हूँ। आपने लेयर इसको सिलेक्ट रखना, अब आपने आ जाना है कलराइज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन कलर हैं, यहाँ पर देखना ऑरेंज है, यहाँ पर जो है ना पर क्या कहते हैं ग्रीन है, यहाँ पर ब्लू है। आप कोई भी कलर रख सकते हैं, लेकिन मैं ये तीन रखूँगा। इस पर अगर एक दफ़ा फिर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, फिर लगाएंगे तो ये येलो बन जाएगा। मैं इसको एक दफ़े ही रखूँगा, ठीक है। अब आपने पिक्सल फ्रेंड कर लेना डी सेलेक्ट। अब आपने आ जाना है फर्स्ट वाली लेयर पर, ठीक है, यहाँ पर जिस पर ग्लो लगाया था, सॉरी लाइट में गए थे, अब ग्लो का ऑप्शन आ गया ना, अब लगाएंगे ग्लो, ठीक है। अब आपने आना है ग्लो, ठीक है, वो बातों बातों में पता नहीं चला, उसमें हमने लाइट में गए थे, ठीक है, लाइट दी थी उसको। अब आपने इसका जो ना कलर वाइट कर लेना, सॉरी ये लास्ट वाली पर लग गया, फर्स्ट वाली पर लगानी थी ग्लो, ठीक है। तो अब आपने इसकी ना एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है ताकि नेम ज़्यादा वाजिया नज़र आए। अब आपने ना सेकंड शेडो की इसकी भी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपने इसकी भी कॉपी करनी है, नीचे वाले की मैं देखता हूँ कॉपी हुई है या नहीं हुई, हाँ हो गई है। अब आपने इसका ना ब्लेंड मोड ओवरले कर देना है, ओवरले करने के बाद आपने इसको नीचे लेकर आ जाना है और इस पर एक दफ़ा बेवल लगा देना है। लेकिन बेवल जैसे ही लगाना है ना, इसका एंगल आपने चेंज कर देना है, ठीक है, एंगल 225 पे कर देना है, और इसका जो ब्लर है ना इसको कम कर देना है, और जो डिस्टेंस है ना इसको भी कम कर देना है, ठीक है। इस पर दो दफ़ा बेवल लगा देना है, एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया। अब आपने इसका ब्लेंड मोड भी ओवरले कर देना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर ओवरले हो गया। लेकिन आप इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रहने दें, ठीक है, इस पर एक दफ़ा बेवल लगा दें नॉर्मल वाले। यहाँ पर कलर आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें आ जाएगा कलर, लेकिन इस पर भी बेवल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका ग्लास फंड बिल्कुल रेडी हो गया, आपने इस डन पे क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यार, मैं इतने आउटस्टैंडर्ड हाई क्लास के ग्लास फंड बनाता हूँ, आप यार फिर भी लाइक कमेंट नहीं करते, आप अदर चैनल देखते हैं, लेकिन मैं मना नहीं करता आप देखें, लेकिन वहाँ पर यार ग्लास फंड बिल्कुल एक जैसे ही होता है, ठीक है। एक भाई बना रहा है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, वो बिल्कुल सेम बनाता है, आप वहाँ पर भी वॉच करते हैं, ट्यून होती है यार वहाँ पर, लाइक कमेंट मुझे तो बिल्कुल लाइक कमेंट आप करते नहीं, इतनी वॉइस ओवर मैं करता हूँ यार। तो फ्रेंड आज का हमारा बस इतना, ट्यूटोरियल अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।